ओवेन ईस्ट तंदूर के बगैर घर के गैस चूल्हा में ही बनाइए फूला फूला कुलचा रेसिपी। आप अपने घर में रखा हुआ सामान से ही इस तरह का कुलचा बना पाइएगा। ये रेसिपी तंदूर में एक साथ बहुत सारा बनाया जाता है। तंदूर का बना कुलचा खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तंदूर के स्वाद वाला आलू कुलचा आप घर पर भी बना पाइएगा एकदम आसान तरीके से। तो चलिए बना लेते हैं। आप सभी से निवेदन है वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखें। पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। वेलकम टू पॉल्स रेसिपी। पॉल्स रेसिपी में मैं मंजू। बेलून जैसा फूला कुलचा बनाने के लिए परफेक्ट डो बनाना पड़ेगा। डो बनाने के लिए लिए हैं 2 कप मैदा मिक्सिंग बोल में, और कप में आप मैदा के जगह आटा भी ले सकते हैं या फिर मैदा आटा दोनों को मिलाकर ले सकते हैं। मैदा के बीच में एक कुआं बना लेते हैं। जी नहीं, इसमें पानी नहीं डालेंगे। डालेंगे फ्रेश 1/4 कप दही। नॉर्मल दही ले, फ्रिज का ठंडा दही ना ले। दही के ऊपर डाले 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। जितना बेकिंग पाउडर लिए हैं उससे आधा बेकिंग सोडा ले, अर्थात 1/4 टीस्पून। आप इन दोनों के बदले में इनो भी ले सकते हैं। हल्का सा मिला दे ताकि बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा दही में जाकर एक्टिव हो सके। हल्का सा बुलबुला उठने लगे तो समझ लीजिएगा बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर एक्टिव हो चुका है। हाथ से तब तक मिला ले जब तक मैदा झुरझुरा सा ना हो जाए। देखिए मैदा झुरझुरा सा बन चुका है। डाले स्वाद अनुसार नमक। मैं 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम डाली हूँ, 1/4 टीस्पून से भी कम काला नमक। डाले 1 टेबल स्पून चीनी पाउडर। बगैर पिसा हुआ चीनी भी डाल सकते हैं। डाले 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। मैं मीठा वाला मिल्क पाउडर डालने के वजह से चीनी का मात्रा कम डाली हूँ। वो मिल्क पाउडर जो बच्चों को पिलाया जाता है, आप इसके बदले व्हाइटनर भी डाल सकते हैं जिससे चाय बनता है। अच्छी तरह से मिलाकर डाले 2 टेबल स्पून मेल्ट किया हुआ घी। घी के वजह से मिल्क पाउडर में लम्स नहीं पड़ेगा। आप घी के जगह रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं या फिर कोई भी कुकिंग ऑयल। ऐसे भी ये रेसिपी घी डालकर ही पकाया जाता है। चम्मच से मिलाकर हाथ से तब तक मिला ले जब तक ये मैदा मुट्ठी ना बनने लगे। अगर आप मैदा का डो ईस्ट डालकर बनाना चाहते हैं तो डो को अवश्य 5 से 6 घंटा के लिए रेस्ट में रखें। मैदा में मुट्ठी बांधने से मुट्ठी बना रहा है, इसका मतलब डो में सभी चीज अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। इसे गूंथने के लिए 1 कप पानी ली हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूंथ लेंगे। आप मिल्क पाउडर के जगह लिक्विड फुल क्रीम दूध भी डाल सकते हैं और पानी के जगह दूध भी ले सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एकदम नरम डो बनाना है। इस तरह का डो बनाना पड़ेगा ताकि सानते वक्त हाथ में चिपके, ना ज्यादा नरम ना ज्यादा सख्त। देखिए सानते वक्त हाथ में मैदा चिपक रहा है। डाले 1/2 टेबल स्पून मेल्ट किया हुआ घी। इससे डो का लट्ठा भाव कम जाएगा। मिला दे अच्छी तरह से। डो को मिक्सिंग बोल में अच्छी तरह से साना नहीं जा रहा था, इसीलिए गमला ले लिए। इस डो को ज्यादा नरम या ज्यादा सख्त नहीं साना जाता है। भींगा हुआ कपड़ा से ढककर आधा घंटा के लिए रेस्ट में रखें। आप चाहे तो इससे भी ज्यादा वक्त तक रेस्ट में रख सकते हैं। डो को घी डालकर अच्छी तरह से मिलाकर रेस्ट में रखने के वजह से इसका चिटचिटा भाव खत्म हो चुका है। थोड़ा भी हाथ में नहीं चिपक रहा है। एकदम सॉफ्ट डो बनकर तैयार है। इसका छोटा छोटा डो काट ले। आप किसी भी साइज में डो को बना सकते हैं। मैं मीडियम साइज का डो बनाऊंगी ठीक इसी तरह, ना ज्यादा छोटा ना ज्यादा बड़ा। डो को गोल आकार में करके फिर से रेस्ट में रखेंगे। भीगा हुआ कपड़ा से ही ढक कर रखे ताकि डो सूखे ना। कुलचा का अंदर का फिलिंग बनाने के लिए लिए हैं बॉईल किया हुआ आलू। ध्यान में रखें बॉईल किया हुआ आलू चिटचिटा नहीं होना चाहिए। इस तरह का सूखा होगा तभी आप डो में डालकर बेल पाइएगा, और ना ही इसके अंदर कोई आलू का बड़ा टुकड़ा हो। इसे हाथ से ही मैश किए हैं। देखिए हाथ में थोड़ा भी नहीं चिपक रहा है। डालेंगे भुना हुआ मसाला 2 टेबल स्पून। इस मसाले में जीरा धनिया गोल मिर्च और मिर्ची को भूनकर कूट लिए हैं। डालेंगे 1/4 टीस्पून काला नमक और बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। थोड़ा बचा लेंगे बाद में इस्तेमाल करने के लिए। डालेंगे 1 इंची अदरक को ग्रेट करके। डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा मिर्ची। डालेंगे 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। 1/2 टीस्पून चाट मसाला। 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम नमक। तीखा और नमक आप अपने स्वाद अनुसार ही डालें। आप इसमें बारीक कटा हुआ प्याज भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से मिला दे ताकि सभी चीज का फ्लेवर आलू में जा सके।
आलू कुलचा का टेस्ट तभी निखर कर आएगा जब ये आलू भी स्वादिष्ट बनेगा। ढका हुआ मैदा का डो 10 मिनट तक रेस्ट में रखे थे। एक डो को हाथ में लेकर सभी मैदा के डो को ढक कर रखेंगे ताकि सूख ना जाए। डो को बेलने के लिए लिए हैं मैदा। थोड़ा मैदा चकला में छीट ले, उसी मैदा को डो के बदन में भी लगाए। दोनों अंगूठा से डो को घुमाते हुए एक कटोरा बना ले। किनारे के तरफ पतला रखे और बीच में मोटा। कटोरा के बीचों बीच डाले आलू मसाला। चम्मच से आलू मसाला को दबाते हुए डो के चारों तरफ फैला दे ताकि आलू मसाला का फिलिंग आलू कुलचा के चारों तरफ से मिले। डो को किनारा को इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए बंद कर दे ताकि किसी भी तरफ से थोड़ा भी खुला ना हो। गोल करके घुमाते हुए अच्छी तरह से दबा दे। डो को चकला के ऊपर रख कर हाथों से ही गोल गोल घुमाते हुए दबा दे ताकि थोड़ा बड़ा हो सके। अलट पलट कर दोनों तरफ से दबाए ताकि ज्यादा बेलना ना पड़े। बेलते वक्त हल्के हाथ बेले, ज्यादा ताकत लगाकर बेलेंगे तो अंदर का फीलिंग बाहर आ जाएगा। और अलट पलट कर दोनों तरफ से बेले ताकि किसी भी तरफ ज्यादा मोटा या पतला ना रहे। डो के ऊपर डाले काला तिल और भुना हुआ मसाला। ये भुना हुआ मसाला पूरी तरफ से ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। उसके ऊपर से डाले बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता और हल्के हाथ फिर से बेल ले ताकि काला तिल और धनिया पत्ता डो में चिपक जाए। इसी तरह से चारों तरफ से घुमाते हुए हल्के हाथ बेले। ख्याल रखे अंदर का फीलिंग बाहर ना आए। आलू कुलचा इससे भी मोटा और बड़ा बनता है जिसे पकने के लिए तंदूर में घंटों रखा जाता है। इसी तरह एक और आलू कुलचा बनाने के लिए डो का कटोरा बना लेंगे। डो को किनारे पतला और बीच में मोटा रखे। डो के कटोरा के बीचों बीच डाले आलू मसाला का फिलिंग, थोड़ा ज्यादा करके डाले। खाने वक्त सिर्फ मैदा का स्वाद आएगा तो खाने में अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए आलू मसाला कुछ ज्यादा ही डाले। मैदा का कटोरी का किनारा को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए गोल करके मुंह को बंद कर दे। अगर इस जगह ज्यादा मैदा लगे तो थोड़ा काट कर अलग भी कर सकते हैं। इसी तरह गोल करके घुमाते हुए दबा दे ताकि पैकिंग अच्छा हो सके। सूखा मैदा डो के ऊपर लगाते हुए हल्के हाथ थोड़ा लंबा करके बेल ले, ज्यादा पतला भी ना करे, नहीं तो कुलचा फूलेगा नहीं और ना ही नरम बनेगा। जो कुलचा एकदम बेलून जैसा फूलेगा वो खाने में भी अच्छा लगेगा और सॉफ्ट भी बनेगा, क्योंकि भेपर से अंदर का फीलिंग भी पकता है, तभी तो दोनों साइड का मैदा फूलकर बेलून जैसा बनने लगेगा। एक ही प्रोसेस से एक कुलचा को और बेल लिए हैं। इसे पकाने के लिए ओवन को ऑन करके फ्लेम को रखेंगे फुल। ओवन के ऊपर पैन को रखकर गरम करके डालेंगे थोड़ा पानी। पानी जब बुलबुला उठने तक गर्म हो जाए डाले आलू कुलचा, ढककर फूलने तक पकने दे। क्योंकि इस कुलचा को तो मैं स्टीम में पका रही हूँ। देखिए पानी का भेपर ढक्कन में लगकर फिर से पानी बन जा रहा है और कुलचा भी अच्छी तरह से फूल चुका है। ढक्कन को हटा दे। ढक्कन हटाते ही कुलचा चिपक गया। ऊपर से लगाए घी, आप रिफाइंड ऑयल या बटर भी लगा सकते हैं। कुलचा को पलट दे, इस तरफ भी लगाएंगे घी। थोड़ा जल्दी पलट दिए हैं, थोड़ा जल जाए तब पलटिएगा, तब तो आलू कुलचा में तंदूर जैसा स्वाद आएगा। आलू कुलचा दोनों तरफ से बेलून जैसा फूला है। अलट पलट कर अच्छी तरह से पकाएंगे क्योंकि ये डो मैदा का है। देखिए दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा जला लिए हैं। अब आएगा तंदूर जैसा स्वाद आलू कुलचा में। अलट पलट कर सेक लिए हैं, निकाल लेंगे। एक और कुलचा को इसी तरह पका लेंगे, एकदम फूल चुका है। ढक्कन को हटाकर कलछी के सहारे कुलचा को पलट देंगे। दोनों तरफ से घी लगाकर अलट पलट कर सेक कर निकाल लिए हैं। इसी तरह और कुलचा पका लेंगे। बनकर तैयार है आलू कुलचा रेसिपी। आप इसे चिकन, मटन या पनीर के कोई भी डिश के साथ खा सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। मैं इसे मटन कौसा ग्रेवी के साथ खाना पसंद करती हूँ। आप इसे गरम गरम घी या बटर डालकर भी खा सकते हैं। ठंडा होने के बाद यह चमड़ा सा हो जाएगा, इसीलिए गरम गरम ही खाएं। बहुत टेस्टी बना है, इस तरह से एक बार जरूर ट्राई करें। टेस्टी आलू कुलचा रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आलू कुलचा को तोड़कर भी दिखाती हूँ अंदर का फिलिंग चारों तरफ किस तरह से गया है और दोनों साइड का परत भी एक समान है। आलू मसाला डो के चारों तरफ गया है। इस तरह का आलू कुलचा ही खाने में ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर आलू कुलचा अच्छी तरह से फूलेगा तो टेस्टी और सॉफ्ट भी बनेगा।